हम ये देख रहे थे कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। कंपेयर क्या करता है, ये कंडीशंस को समझने के लिए और कंडीशंस में यूज़ भी होगा सबसे ज़्यादा कंपैरिजन का फंक्शन। कंपैरिजन का कीवर्ड है CMP, ठीक है। ये दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करता है, ये दोनों आपस में इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, लेस देन इक्वल्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स है, जीरो है, ठीक है। तो ये इनको आपस में कंपेयर करता है। तो हम कीवर्ड इसका सिंटेक्स है कंपेयर का CMP, डेस्टिनेशन और सोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात लिखी है, दो ऑपरेंट्स को कंपेयर वगैरह कर देता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन दी हुई है। वैसे तो इसका कोई आपको वो नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है। जब आपने देखा होगा आउटपुट, आप कोई भी प्रिंट करते हैं, रजिस्टर डंप रजिस्टर करते हैं, आपके पास जब सारे रजिस्टर्स आते हैं तो कुछ फ्लैग्स भी आते हैं। तो जो फ्लैग्स आते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है। तो जब हम जैसे डिवीजन में भी देखते हैं, तो डिवीजन में हम एक हमारे पास रिमाइंडर आता है और एक कैरी आता है। तो कैरी हमारे पास अगर वन आ रहा है, जीरो फंक्शन जो है, जीरो फ्लैग जीरो आ रहा है, इसका मतलब डेस्टिनेशन हमारे पास, ये हमें सिर्फ आउटपुट को एक तरीके से रीड करने के लिए या आउटपुट को समझने के लिए, अगर हम रजिस्टर्स को देख रहे हो डंप करने के बाद, तो हमें आउटपुट को समझने के लिए है कि ये कंपैरिजन से क्या आंसर आया। वैसे तो आपको ऑटोमेटिकली कंपेयर करके वो दे देगा। अगर आप वैसे भी खुद भी देखना चाह रहे हैं अपने कंसोल पे कि कंपैरिजन से क्या आउटपुट आया, तो आपकी डेस्टिनेशन लेस देन सोर्स है तो कैरी फ्लैग जीरो वन होगा और जीरो फ्लैग जीरो होगा। डेस्टिनेशन ग्रेटर है सोर्स से कंपेरिजन के बाद, तो दोनों जीरो होंगे। डेस्टिनेशन इक्वल्स टू सोर्स है तो जीरो फ्लैग वन होगा और कैरी फ्लैग जीरो होगा। तो ये सिर्फ कुछ अलामत है चेक करने की कि आपका ये कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म सही कर भी रहा है, काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। वैसे तो इसकी आपको नीड होगी नहीं, ये आपको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दे रहा होगा कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन हमने देख लिया किस तरह करते हैं। अब हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं कि अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप किस तरह काम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास गिवेन है, उसमें क्या हो रहा है कि एक एस वर्ड लिया हुआ है नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एक्स रजिस्टर के अंदर जीरो जीरो दिया, मतलब कि ए एक्स के अंदर यानी कि ये 16 बिट है, ए एच 16 बिट। हमने यहाँ ए एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है बाइट जो है हमारे पास 8 बिट होता है, वर्ड जो है और एस वर्ड 16, और डी वर्ड और एस वर्ड 32। जब हमारे पास ऑपरेटर है किसका, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं रही। खैर, इसमें बस ऑपरेशन आपको ये दिखाया हुआ है कि अनकंडीशनल जंप किस तरह काम कर रहा होता है। वो इस तरह काम कर रहा होता है कि कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट जंप का कीवर्ड गिवन है कि यहाँ पे मूव ए एक्स के अंदर जीरो दे दिया है, बी एक्स के अंदर भी जीरो, सी एक्स के अंदर वन दे दिया है, फिर एड की और शिफ्ट की कुछ की ये लाइन्स या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। किस, अच्छा, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस पे जो प्रोसीजर है ये किसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, L20 के लेबल के अंदर। जब ये L20 का लेबल इसको दे दिया है, तो ये होगा क्या, ये एक दफ़ा इनको ऐड करवाएगा और CX के अंदर शिफ्ट करेगा वन, ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ये ऐड वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जब ये तीनों परफॉर्म हो जाएंगे, तो फिर दोबारा जंप कर देगा L20 पे, फिर ये जंप L20 पे, ठीक है, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर जंप कर देगा L20 पे, फिर जंप। तो ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन कि इस लूप को ब्रेक कहाँ करना है हमें, ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है। जितने रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ सकती है उतनी दफ़ा ये ऐड कराता रहेगा, जब रजिस्टर ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। लेकिन जंप के साथ अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं गिवन, सिर्फ JMP L20, यानी कि जंप करते रहो L20 के ऊपर। तो ये जब तक रजिस्टर में वैल्यू जा सकती है AX और BX के अंदर, तब तक ये वैल्यूज जाती रहेंगी, ये अनकंडीशनली चलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आता है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप हमने जैसे देखा था कि हम किस तरीके से दे रहे होते हैं, कि ये तो JMP से दे दिया कंडीशनल जंप में J और उसके आगे की कंडीशन।
अगर हमने कंपेयर करना है कि ये डेस्टिनेशन और सोर्स को हमने कंपेयर किया और उसके आगे हमने देखना है कि जंप लेस देन, तो हम जे एल ई यानी लेस देन इक्वल्स, ठीक है, जे एल यानी कि जंप इफ लेस देन, डेस्टिनेशन अगर सोर्स से लेस देन है तो जे एल, और अगर लेस देन इक्वल्स हमने चेक करना है तो जे एल ई, ग्रेटर देन करना है तो जे, और कंडीशन क्या है ग्रेटर तो जे जी, यानी कि जंप इफ ग्रेटर। ये कंपैरिजन के बाद हम ये अनकंडीशनल जंप की कंडीशन को, कंडीशनल जंप की कीवर्ड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि इंस्ट्रक्शंस हमारे पास गिवेन है जे ई यानी कि जंप इफ इक्वल्स टू, ठीक है, और जंप इफ नॉट इक्वल्स टू कंपैरिजन के साथ अगर दोनों ऑपरेटर और ऑपरेंड इक्वल्स नहीं है तो जंप नॉट इक्वल्स, ग्रेटर है तो जंप इफ ग्रेटर, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स हमने दोनों यूज करने के, आइदर ग्रेटर है और इक्वल है तो हम जे जी ई यानी जंप ग्रेटर देन और इक्वल्स, ठीक है। इसी के ये सात और ऑपरेशन हैं, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपने चेक करना है कि जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है, इसका जो कंपैरिजन करने के बाद ये जीरो आ रहा है या नहीं, तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जंप लेस देन इक्वल्स, जंप लेस देन, ये आप सारे किसके अंदर यूज कर रहे हैं, ये वाले कीवर्ड साइंड डेटा के ऊपर, जहाँ दोनों ऑपरेंड और ऑपरेटर साइंड है, ठीक है, और जहाँ मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। जहाँ पे अनसाइंड है वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जे ई, जे एन ई, ठीक है, ये जे ई सेम है, जे एन ई सेम है, लेकिन जंप ग्रेटर देन की जगह अनसाइंड के अंदर क्या होगा, जंप अबव यानी जे ए, जंप अबव इक्वल्स, अगर ये उससे ग्रेटर देन इक्वल्स है तो उसके लिए अनसाइंड के अंदर यूज हो रहा है जे ए ई, लेस देन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जे बी यानी जंप बिलो। तो ये चीजें इसमें यूज हो रही होंगी। इसके अलावा अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिवीजन का या कोई, अब उसके बाद हमारे पास कोई कैरी अगर हम देखना है कि भाई कैरी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम जे सी यूज करते हैं, जंप इफ कैरी, ठीक है, या अगर कैरी फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, अगर कैरी हमारे पास जीरो आ रहा है तो उसके लिए हम देखते हैं कि जंप इफ कैरी इज जीरो, यानी कि जे एक्स सी जेड करते हैं कि जंप इफ सी एक्स इज जीरो। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनको आप लोग विद टाइम देखते रहेंगे जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, फिर ये कोई एग्जांपल्स वगैरह गिवेन है। असल में हम मैं चाह रहा हूँ कि लैब टास्क के ऊपर जंप कर दें, लैब टास्क किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। जब फिर हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट आता है कि हम लूप किस तरह यूज़ करते हैं, तो लूप हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि लूप का कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे थे, मसले आ रहे थे कि हम लूप जो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, लूप जो इनफाइनाइट चल रहा है या जो, तो उसके लिए आपको कंडीशंस ऊपर गिवन होती हैं, कंडीशंस आप दें तो लूप भी सही काम करेगा। लूप का क्या है, लूप का कीवर्ड है और उसके आगे लेबल दे दें कि इस लेबल के ऊपर लूप आप चलाते रहो। और ये हमने देखा था कि हमारे पास जैसे तीन रजिस्टर्स हैं, ई ए एक्स है, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, तो ई सी एक्स रजिस्टर जो है वो लूप के लिए काम करता है, लूप जहाँ पे भी आप लूप देंगे ऑटोमेटिकली ई सी एक्स रजिस्टर जो है उसकी फंक्शनैलिटी ये हो जाएगी कि आपने ई सी एक्स की कोई वैल्यू असाइन की, सपोज 20, तो हर लूप की आइटरेशन के ऊपर ई सी एक्स माइनस माइनस के ऊपर चलता है, वो माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। कैसे होगा कि अगर मैंने लूप कोई किसी कंडीशन के ऊपर लूप चलाया कि अगर ये जैसे ही सपोज ई बी एक्स रजिस्टर 2 हो जाए तो ये लूप ब्रेक हो जाए, अगर अगर ई बी एक्स रजिस्टर की वैल्यू 2 नहीं है तो ये लूप चलता रहे, तो उसके अंदर ई सी एक्स अगर मैंने 10 दिया हुआ है तो 10 टाइम्स चलाऊंगा। 10 किस तरह चलेगा कि हर दफ़ा इटरेशन में 10 से 9 हो जाएगी वैल्यू, 9 से 8, 7, 6 करते जैसे 0 पे होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर मैं कोई कंडीशन ना भी दूँ तब भी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ये एक प्रोग्राम गिवन था 1 to 10 काउंट करने का, ये हमने शायद रन करके भी देखा था, तो ये किस तरह काम कर रहा था, कमेंट कर देते हैं।
ये देखिए, अब आप लोगों को समझ आएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। अगर हमने मेन प्रोसीजर के अंदर ईएएक्स रजिस्टर के अंदर 0 रख दिया, ठीक है, यानी कि ये हमें 1 से 10 तक प्रिंट कराना है अगर लूप के थ्रू, तो हम किस तरह करेंगे। ईएएक्स रजिस्टर में हमने 0 रख दिया और पहली ही दफ़ा पहली इंस्ट्रक्शन में ईएएक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने देखा था कि ईसीएक्स यानी काउंटर जो है वो हम मैक्सिमम जितनी दफ़ा हमने चलाना है, अगर 20 दफ़ा चलाना है तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे, ठीक है। तो वो माइनस माइनस होते होते जैसे ही 0 पे आएगा हर आइट्रेशन के बाद, तो ये लूप एंड हो जाएगा। हमने एक लेबल 1 दे दिया, अपने लूप को कहाँ तक चलाना है, लेबल 1 के ऊपर रखना है, ठीक है। पहली दफ़ा जब लेबल 1 के अंदर ये जाएगा हमारा कर्सर, तो ये इंक्रीमेंट करेगा ईएएक्स में 0 से 1 हो जाएगा, उसको कॉल राइट डेसिमल कर देगा, सीआरएलएफ से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर लूप लेवल 1 काउंट कॉल होगा, ये ईसीएक्स 10 से 9 हो जाएगा, 9 के बाद ये ईएएक्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 2 1 से 2 हो जाएगा, वो उसको प्रिंट करेगा, फिर ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये करते करते जैसे ही ईसीएक्स 8 7 6 करते करते 0 पे आएगा और ये 0 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। आप इसको रन करके भी देख सकते हैं, ये इसने 1 से लेके 10 तक की प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको 20 कर दूं ECX की वैल्यू को, तो ये 20 टाइम्स चलेगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा, 0 से 0 जो है वो इंक्रीमेंट EAX के अंदर होता रहेगा और ये चलता रहेगा। ये 1 से 20 तक इसने प्रिंट कर दिया। तो ये लूप इस तरीके से काम कर रहा होता है। आप कोई ना कोई कंडीशन देते हैं कि जिसके ऊपर ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क असल में क्या था, अगर हम लैब टास्क को देखें तो लैब टास्क हमारे पास ये था। आपने एक वाइल्ड लूप यूज़ करना है, ठीक है। अब जाहिर है हमने वाइल्ड लूप्स को पढ़ा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी तक पढ़े हैं लेबल। आप किसी भी लेबल का नाम रख दें वाइल्ड या वाइल्ड लूप, ठीक है, और उसके ऊपर आप कोई भी लूप चला दें या फिर कभी कंडीशन कंडीशनल जंप का इस्तेमाल कर लें। और करना आपने क्या है कि एक वैल्यू लेनी है 10, एक लेनी है 20, और लूप चलाना है और हर दफ़ा में इंक्रीमेंट करते रहना है। जैसे पिछली दफ़ा हमने देखा इसमें यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट करते रहना है इसमें वैल्यू 1 में, और यहाँ पे आपने उनको कंपेयर के फंक्शन से कंपेरिजन से कंपेयर हर दफ़ा करते रहना है लूप की पहली उसमें, कि ये अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बराबर हो गई है तो लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो जंप इक्वल्स का आप जो है ऑपरेशन लगा देंगे, अगर जंप नॉट इक्वल्स का लगा देंगे तो जैसे ही वो दोनों आपस में इक्वल हो तो ये लूप ब्रेक हो जाए, और लूप ब्रेक होके जो आपके पास आखिर में वैल्यू 1 की वैल्यू आई है वो क्या होनी चाहिए, जब इक्वल हो जाएंगे तो ये 20 हो जाएगी, वो 20 प्रिंट हो जाएगा। इसको हम करके भी विद कोडिंग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अगर हम इसको लेबल के थ्रू करें तो एक आप लोग साथ हैं सारे मेरे, बताते रह करें कि हमें आवाज़ जो है वो सर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको एग्जांपल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें चलाना है इसमें, जाएंगे, ठीक है। डॉट डेटा का हमें कोई काम नहीं है, मेन प्रोसीजर कॉल कराने के बाद हम जैसे उसमें यहाँ गिवन है, आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1 में 10 है और वैल्यू 2 में 20 है, तो हम क्या कर देंगे ईएएक्स रजिस्टर एक ले लेंगे, उसमें 10 रख देंगे, और ईबीएक्स रजिस्टर एक ले लेंगे उसमें 20 रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक हम लेबल बनाएंगे सपोज वाइल के नाम से, ठीक है, वाइल के नाम से, या आप लूप के डब्ल्यू अंडरस्कोर लूप कर लें, ठीक है।
डब्ल्यू अंडर स्कोर लूप मतलब कि आप कोई भी लेबल दे दिया कि वाइल लूप, सपोज इसको आपने दे दिया लेबल, तो ये वाइल लूप के अंदर क्या होगा, आपने क्या किया पहली दफ़ा में जब EAX 10 है तो आपने इंक्रीमेंट कर दिया उसमें, इंक्रीमेंट इन EAX, ठीक है, और कंपेयर करो EAX। अभी हमने देखा कि कंपेयर का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ऑपरेटर और आगे उसका डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। तो कंपेयर का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, EAX को कंपेयर करो EBX से, EBX से, ठीक है। जब कंपेयर कर लो तो हमारे पास फिर था, हमें चेक क्या करना है कि ये दोनों इक्वल्स तो नहीं है, अगर ये जब तक ये दोनों इक्वल्स नहीं है तब तक जंप करते रहो कहाँ पे, वाइल लूप पे। तो हमें अगर हम दोबारा देखें नॉट इक्वल्स के लिए क्या है, JNE, जंप नॉट इक्वल्स, तो हम क्या करेंगे जंप नॉट इक्वल्स, आप ये चीज़ करेंगे तो हर दफ़ा ये होगा कि इसने इंक्रीमेंट किया वन हुआ, वन इंक्रीमेंट किया तो ये 11 हुआ, कंपेयर किया कि 11 और 20 को कंपेयर हुआ, नॉट इक्वल्स तो डब्ल्यू लूप के ऊपर दोबारा जंप कर जाएगा, जंप जे फॉर जंप इफ नॉट इक्वल्स, NE नॉट इक्वल्स, जंप इफ नॉट इक्वल्स, और जंप करना कहाँ है डब्ल्यू लूप यानी कि वाइल लूप पे। फिर इंक्रीमेंट होगा ये 12 होगा, फिर चेक करेगा 20 और 12 इक्वल्स हैं नॉट इक्वल्स, तो फिर ये जंप नॉट इक्वल्स, फिर लूप। तो ये जब ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे यानी कि ये एक दफ़ा 19 के बाद 20 होगा और ये कंपेयर करेगा 20, 20, जंप नॉट इक्वल्स नहीं है तो इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स का काम नहीं होगा, तो इस लाइन को ये नॉट इक्वल्स को छोड़ देगा और फिर क्या करेगा कॉल। अब जाहिर है हमारे पास EAX के ऊपर काम हो रहा है, इंक्रीमेंट EAX हो रहा है, तो EAX हमारे पास रजिस्टर है, हम उसको कॉल राइट डेसिमल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, राइट डेसिमल करेंगे तो हमारे पास अब जो EAX रजिस्टर की वैल्यू है वो आ जाएगी। सर ये कंडीशन रिपीट कर दें, अच्छा कंडीशन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये दोबारा बता देता हूँ, हमने EAX रजिस्टर के अंदर 10 लिया, EBX के अंदर 20 लिया, क्योंकि हमें करना क्या था, करना हमें ये था कि ये चेक करना था कि जब तक वैल्यू वन और वैल्यू टू इक्वल्स नहीं है, वैल्यू वन के अंदर इंक्रीमेंट करते रहो और जब दोनों इक्वल हो जाएं तो वैल्यू वन की क्या वैल्यू आई है वो आप प्रिंट करा दो। तो हमने EAX में 10 रख दिया, EBX में 20 रख दिया, वाइल लूप का या डब्ल्यू लूप का हमने एक लेबल बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हैं, XYZ कुछ भी, ठीक है। उसके जब आप आगे कॉलन देते हैं तो कॉलन से वो एक लेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेबल से क्या होगा कि ये जितनी भी लाइन ऑफ कोड अब नीचे ये दो लिख रहे हैं या छः लिख रहे हैं या इनफाइनाइट जितनी भी लाइन ऑफ कोड, वो सारी लाइन ऑफ कोड इस लेबल के अंडर आ रही है, जब आप इस लेबल का नाम कहीं भी कॉल करेंगे तो वो सारी ये सारी लाइन ऑफ कोड रन हो जाएंगी, ठीक है। जब आप जंप कराएंगे इस लेबल के ऊपर यानी कि जंप, अगर मैं JMP भी कर दूँ अनकंडीशनल जंप, तो कोई भी कंडीशन नहीं होगी, बस ये जंप करता रहेगा, लेकिन कंडीशनल हम जंप यूज़ करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवेन है, जंप नॉट इक्वल्स JNE, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स है, अगर तब तक ये कंपैरिजन के बाद जो आउटपुट आ रहा है EAX और EBX का वो नॉट इक्वल्स है तो इसके ऊपर ये आप रन करते रहो, जब ये आपस में इक्वल्स हो जाएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कॉल राइट डेसिमल करेंगे तो ये EAX के अंदर अब जो वैल्यू है, पहले 10 थी लेकिन इंक्रीमेंट 10 दफ़ा होने के बाद जब ये इक्वल हो गए तो फिर क्या वैल्यू आई है, इसको हम आउटपुट में प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं कि हमारा ये काम सही हुआ भी है कि नहीं। आप कॉल कर दें यार ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए कर्सर, ठीक है, इसको हम एग्जिट कर दें। सारी आइट्रेशन के बाद EAX रजिस्टर में क्या आएगा, ये देखें EAX रजिस्टर में 20 आएगा, सही है, ये चीज़ है। अगर हम इसको 21 कर देते, ठीक है, तो ये जब तक चलता जब तक ये दोनों इक्वल्स नहीं होते, तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये EAX की जो 10 वैल्यू है ये 21 आ जाती, जब तक ये देखें ये
सिंपल सा टास्क था आप लोगों का कि आपने कंपेयर करना है। सिर्फ जो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि अनकंडीशनल जंप किस तरह काम करती है, वो कंडीशनल जंप किस तरह काम करती है कि उसमें जंप नॉट इक्वल्स है, इक्वल्स है, लेस देन इक्वल्स है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप काम करती है उसको आप लेबल के साथ अटैच करें। वो लेबल जब तक कॉल होता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और ये कंडीशन किस तरीके से कंपेयर, दो ऑपरेशंस को, दो ऑपरेंड्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल जंप लगाते हैं। अनकंडीशनल के लिए जाहिर है आपको कुछ कंपेरिजन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अनकंडीशनल है, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, इसके अंदर अगर हम यूज़ करते तो आप लोग का ये टास्क आसानी से सॉल्व हो जाता, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये सेकंड टास्क है कि हमें तीन वैल्यूज़ लेनी है, 47, 22 और 31, या आप और भी कोई ले सकते हैं चाहे तो, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लेनी है। और उसके बाद आपने उसमें से चेक करना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जब लार्जेस्ट वैल्यू आपने चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जैसे सपोज इसको आपने नंबर 1 में लेना है, इसको नंबर 2 के कीवर्ड में लेना है, इसको नंबर 3 में लेना है। आपने पहली दफ़ा कंपेयर किया नंबर 1 और नंबर 2 को सी एम पी के उससे, ठीक है, और उसके बाद आपने चेक किया कि ये इफ़ ये दोनों में से जो ग्रेटर, ठीक है, अगर तो ये ग्रेटर है तो ये एक वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाए और मतलब नंबर 4 में स्टोर हो जाए, और अगर ये ग्रेटर है तो ये नंबर 4 में स्टोर हो जाए, जो ग्रेटर है वो स्टोर हो जाए, ठीक है, और वो वैल्यू इसके साथ कंपेयर हो। अगर उन दोनों में से जो ग्रेटर है वो एक तीसरे वेरिएबल में, चौथे में स्टोर हो जाए, और उस वैल्यू को आप आउटपुट करा देंगे, भाई इन तीनों में से ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है कि जो सबसे ग्रेटर है, ठीक है। तो उसको आप परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा शहरूस कह रहे हैं कि मैंने वाइल के लिए डॉट वाइल यूज़ किया है, बिल्कुल अगर आपने डॉट वाइल भी यूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। वो हमारा नेक्स्ट लैब जो आगे आने वाली लैब है उसमें डॉट वाइल का कीवर्ड यूज़ हो रहा है। अभी तक हमने आपको डॉट वाइल पढ़ाया नहीं था तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो है वो डॉट वाइल यानी जो बिल्ट इन फंक्शन वाइल लूप का है उसको इस्तेमाल करूँगी। अभी तक हमने सिर्फ कंपेरिजन और कंडीशनल अनकंडीशनल जंप और लूप्स किस तरह काम करते हैं और आपका सिंपल जो लूप का कीवर्ड है वो किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी आउटपुट में यही कर रहा था कि आप सिर्फ वही यूज़ करेंगे। अगर आपने डॉट वाइल का भी कर लिया जो हम लैब 5 में पढ़ेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तो ये और भी अच्छी बात है आपने अगर यूज़ कर लिया तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला टास्क हम देख लेते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, कि तीनों को हमने कंपेयर करना है। हम क्या करेंगे कि एक नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है, और डाटा के अंदर कीवर्ड टाइप का, ठीक है, उसको हम 47 वैल्यू दे देंगे। नंबर 2 ले लेंगे डीवर्ड टाइप की, ठीक है, उसको 22 नंबर दे देंगे। नंबर 3 ले लेंगे हम डीवर्ड, ठीक है, उसको हम 31 वैल्यू दे देंगे। फिर डॉट कर रहे हैं आपस में, मेन प्रोसीजर में आएंगे, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, मेन प्रोसीजर में आएंगे, तीनों को कंपेयर करना है तो हम एक सपोज लूप ले का एक कीवर्ड हम एक वो है लेबल, लेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, लूप 1 के नाम से, वो हमारे पास एक रजिस्टर है उसके अंदर हम नंबर 1 को रख देंगे, कंपेयर कर देंगे, किसी भी आप उसमें रख सकते हैं, EAX में भी रख सकते हैं, उसको हम आगे यूज़ कर लेंगे EAX को, ठीक है,
इसलिए अभी ई सी एक्स कर दिया। ई सी एक्स के अंदर आपने नंबर वन रख दिया, कंपेयर किया किसको, ई सी एक्स कॉमा नंबर टू को, ठीक है, कि इन दोनों में को कंपेयर करो, ठीक है, और अगर ग्रेटर है तो जंप कर दो, लूप नंबर टू क्रिएट कर देंगे उसके ऊपर। तो ये ई सी एक्स ग्रेटर है तो आप क्या करो, यानी कि 47 ग्रेटर है तो जंप कर जाओ लूप नंबर टू पे और उस ई सी एक्स को कंपेयर कर दो आप, कंपेयर ई सी एक्स विथ नंबर 3, ठीक है। अगर ये दोनों में से ई सी एक्स यानी कि 47 ग्रेटर है तो इसको छोड़ दो 22 को, और ई सी एक्स को कंपेयर कर दो नंबर 3 से लूप 3 पे जंप करके, ठीक है, और फिर क्या करो, ये तो इन दोनों को कंपेयर कर देगा, और अगर ये ग्रेटर है तो ये काम हो, और अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या करो, मूव ई सी एक्स के अंदर अभी नंबर 1 था, यानी कि अभी हम जो कंपैरिजन के लिए नेक्स्ट लूप में जा रहे हैं ई सी एक्स वो नंबर 1 था, और अगर नंबर 2 ग्रेटर है तो ई सी एक्स जो 3 से होगा उसमें आप नंबर 2 को डालो, ग्रेटर है तो डायरेक्ट इसके ऊपर जंप कर जाओ, और अगर ग्रेटर नहीं है तो इस लाइन को रीड करो और ई सी एक्स के अंदर नंबर 2 से कंपेयर करा दो नंबर 3 को, ठीक है। तो ये काम होगा, अगर तो ये ग्रेटर होगा तो ये इस लाइन को रीड ही नहीं करेगा, ये डायरेक्ट जंप, इफ ग्रेटर ई सी एक्स अगर ग्रेटर है तो जंप करेगा डायरेक्ट लूप 2 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इस लाइन को ये रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर ये इससे ग्रेटर होगा तो ये नेक्स्ट लाइन को चेक ही नहीं करेगा, आगे आने वाली जितनी लाइन है उनको चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट ये ढूंढेगा लूप 2 कहाँ है, क्योंकि ये दोनों में से नंबर 1 यानी कि ई सी एक्स ग्रेटर आ गया है, अब लूप 2 का कीवर्ड कहाँ है, बस डायरेक्ट वहीं पर जंप करेगा, जंप इफ ग्रेटर लूप 2, लूप 2 पे जाने के बाद ई सी एक्स यानी कि नंबर 1 को नंबर 3 से कंपेयर करा दे। अगर तो ये ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, तो ये क्या करेगा, ई सी एक्स के अंदर नंबर 2 को डालेगा और फिर लूप 2 के ऊपर जाएगा, इस लाइन को परफॉर्म करते हुए सिस्टमेटिकली जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये, इसके बाद क्या होना चाहिए, हम एक और लूप क्रिएट कर देंगे, ठीक है, अगर ये दोनों में से ग्रेटर है ई सी एक्स तो क्या करो, लूप 3 ऊपर चले जाओ, वही वाला काम, ठीक है, और अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या करो, मूव कर दो EAX रजिस्टर में, EAX रजिस्टर को, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ हम ये नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे ई सी एक्स रजिस्टर के अंदर, ये हमने क्यों किया, ये यही वाला काम किया हमने, कि अगर ये इनको कंपेयर किया ये वाला, ठीक है, अगर ये ई सी एक्स यानी कि जो अभी हमारे पास आया है यहाँ पे 47 आया है, सो नंबर 3 से कंपेयर करो, अगर ई सी एक्स ग्रेटर है तो लूप 3 पे चले जाओ, और अगर लेस देन है तो ई सी एक्स के अंदर नंबर 3 को डाल दो, ये नंबर 3 है, ठीक है, तो होगा यही कि ये इसको जंप टू लूप 3 नहीं करेगा, लेकिन ई सी एक्स के अंदर नंबर 3 को डाल देगा, ठीक है, क्योंकि ये 31 ग्रेटर है, और उसके बाद आप क्या करो, अच्छा जो हमने नेक्स्ट लूप क्रिएट किया है लूप 3 उसको भी डिफाइन कर देते हैं, कि लूप अगर तो ये क्रिएटर होता तो क्या होता, तो ये होता कि
वो ग्रेटर होता, तो बस वो ग्रेटर हो जाता, उसको हम ईएएक्स रजिस्टर के अंदर डाल देते, ठीक है। और अगर तो वो नहीं होता तो ये हमने ये काम किया, मूव ईसीएक्स कॉमा नंबर 3, ठीक है। और जब ये ईसीएक्स नंबर 3 में आ गया है तो फिर ये काम होगा ही नहीं, ठीक है। और हम उसको प्रिंट करा देंगे कि जो भी ग्रेटर है सबसे राइट। इसको चेक करते हैं कि ये काम हमारा कर भी रहा है कि नहीं। ग्रेटर सबसे क्या है, हमारे पास वैल्यू 47, इसको इन सब के ऊपर जाने के बाद 47 को प्रिंट कराना चाहिए। ये देखिए, ये हमें ग्रेटर सबसे वैल्यू 47 प्रिंट करा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे ग्रेटर वैल्यू 47 को यहाँ हमारे पास प्रिंट करा रहा है। तो ये किस तरीके से लूपिंग परफॉर्म हो रही है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे मैं इसकी कोड फायर भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये फिर सेकंड हो गया टास्क, फिर आता है थर्ड टास्क। थर्ड टास्क तो बड़ा इजी था, ठीक है। अच्छा, सेकंड में हमने एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं किया क्या है। अगर हम कोडिंग के थ्रू देखें, आप लोग देख भी लीजिएगा वीडियो में भी, हमने किया सिंपल काम ये है कि आपका आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर? जी, आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अच्छा सर, थोड़ा ब्रेक मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ टास्क नंबर 3 और 4 रह गए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर ब्रेक ले लेंगे। ये बहुत सिंपल सा टास्क है, ठीक है। ये सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर आपका डिस्कस हो जाएगा, फिर हम 10:35 के ऊपर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। 10:27 हो रहे हैं, 10:35 पे ले लेंगे। इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि टास्क 3 में क्या हो रहा है, कि रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है 20 से 1 की। तो हमने यहाँ पे अगर देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एक जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी थी कि 1 to 10 प्रिंट करने के लिए हम काउंटर का इस्तेमाल कर रहे थे, ये कि काउंटर माइनस माइनस होता रहता है हर दफ़ा। ECX जो ECX काउंटर रजिस्टर है, ठीक है, वो माइनस माइनस होता रहता है, और हमने उसमें EAX की वैल्यू 10 रख दी थी। मैंने आप लोगों को लैब में भी बताया था कि सिर्फ आप वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आपका ये काम ये वाला हो जाएगा, 27 वाला। इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम चाहिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा था कि ये 1 से 10 तक हमने प्रिंट कराना था, तो हमने इसकी EAX की वैल्यू 0 दे दी थी, ECX की हमने 10 दे दी थी। तो ये हर दफ़ा इंक्रीमेंट कर करके 0 के अंदर प्रिंट कराते जा रहा था, जब तक ECX 0 नहीं हो जाए, मतलब माइनस माइनस हर आइट्रेशन के ऊपर ना हो जाए। तो अब हमें उल्टे ये काम करना है कि हमें 20 से 1 तक की प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब बताएं कि हम लोग क्या करेंगे ऐसा, कि इसमें कौन सी वैल्यू क्या करेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। जरा कोई, अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि हम ऐसा क्या काम करें कि ये रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो। EX को 20 कर देंगे और ECX को EX को 21 कर देंगे क्योंकि ऊपर वो 20 से चलेगा, और ECX को 20 कर देंगे। तो बिल्कुल सर सही, वो
वो करेगा और इंक्रीमेंट की जगह डी सी डिक्रीमेंट लगा देंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही काम करेंगे हम कि हम जहाँ इसको इंक्रीमेंट कर रहे थे किसके अंदर, ई ए एक्स के अंदर, वो हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे, यानी कि हम यहाँ 21 कर देंगे। 21 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा में ही डिक्रीमेंट कर देगा, यहाँ हम इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लगा देंगे, तो ई ए एक्स को पहली दफ़ा में ये डिक्रीमेंट करेगा 21 से, और हमें चलाना कितनी दफ़ा है, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स चलेगा, पहली दफ़ा में ये लूप चलेगा, तो ये 20 वैल्यू है, ये 21 से डिक्रीमेंट हुआ, 20 हुई, राइट डेसिमल 20 प्रिंट हुआ, फिर ये 19 हुई वैल्यू, ये भी डिक्रीमेंट हो रही है ऑटोमेटिक, और इसको हम खुद से डिक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो ये आपका जब पूरा लूप चलेगा तो ये 22 9 1 जो है आपका प्रिंट हो जाएगा, ये देखें 20 19 18 17, जिस स्टूडेंट को इस की लॉजिक समझ आ गई है इस एग्जांपल की, उसको आसानी से ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह काम कर रहा है, वरना जिसको ना है वो ड्राई रन करके देखे हर वैल्यू के ऊपर कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको हर लाइन के ऊपर ड्राई रन करे, हर लूप के आइटरेशन के ऊपर, तो उसको समझ आ जाएगा कि अब ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा टास्क नंबर 3 था। फिर टास्क नंबर 4 क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देना इस चीज़ को, अटेम्प्ट लाजमी करें, जो आप लोगों को टास्क दिए जाते हैं उसको अटेम्प्ट लाजमी करें, और कोई भी जो है ना स्टूडेंट छोड़े नहीं, खाली नहीं छोड़े, कुछ ना कुछ जो भी उसका आउटपुट आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, वो जब भी लैब सबमिट करे तो वो आउटपुट लाजमी सबमिट करें, ये नहीं करें कि आप रात को पूरा दिन, आपका जो लैब का टाइम है उसको पूरा दिन निकालने के बाद आप जो है एंड में जाके बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा समझ ही नहीं आया मुझे कॉन्सेप्ट, आप सबमिट ज़रूर करें, उसके बाद नेक्स्ट लैब में हम उसको हर दफ़ा आउटपुट्स को डिस्कस कर लिया करेंगे। चलें आप लोग एक 4 को भी डिस्कस कर लेंगे।